नमस्कार दोस्तों, 16 अगस्त 2011 को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का वो दमदार भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जब तक जनता साथ है जनता घर घर जाएगी, जनता घर घर जाकर प्रचार करेगी। इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, 2,00,000 करोड़ तो इन्होंने 2G में कमाया था। यह भाषण रातों रात अरविंद केजरीवाल को मीडिया और जनता के बीच में एक नया चेहरा बना गया। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की और उनका मकसद था कि जनता के लिए एक ईमानदार सरकार। लेकिन सवाल यह है कि सफर में भ्रष्टाचार को मिटाते मिटाते केजरीवाल क्या खुद भ्रष्ट बन गए? मैंने सोचा क्यों ना इनकी कुंडली खंगालते हैं और मैंने इनके खिलाफ दर्ज हुए मामलों की लिस्ट देखनी चालू कर दी। पहला बड़ा मामला 2016 में आया जब अरुण जेटली ने इनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था 10 करोड़ रुपए का। दूसरा केस पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने का था। इनकी इतनी लंबी लिस्ट सामने आ गई और लास्ट वाला तो आप जानते हैं, अभी छूट के आए हैं। एक और दिलचस्प बात, केजरीवाल की पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, यानी इसके सारे मेंबर आम आदमी ही होंगे। लेकिन अगर आप नेताओं की लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो उसमें कितने आम आदमी और कितने गैंगस्टर, कितने माने जाने गुंडे दिखेंगे। लेकिन और एक चीज आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी पिछले केस में लिक्विड घोटाले में अरविंद केजरीवाल का केस एक वकील लड़ रहा था और आप स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं जो इंडियन हाईएस्ट पेड वकील की है और इनका केस इंडिया के सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि इतने ईमानदार नेता ने इतनी महंगी फीस कहाँ से अफोर्ड किया? भाई साहब हाल ही में जेल से बाहर आए और बाहर आते एक बड़ा खेल हो गया, इस्तीफा। मगर सवाल यह है कि इस्तीफे के पीछे असल राज क्या है और इससे अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा होगा? सच यह है कि 2012 और 13 से अरविंद केजरीवाल की ग्रोथ रुकी है, उनका असली मकसद अब भी और राज्यों में पैर पसारना है। इस्तीफा देकर वो जनता की सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग सोचें केजरीवाल को सत्ता का लालच नहीं है। लेकिन असल में ये राजनीति का सोचा समझा खेल है। सीएम की कुर्सी किसी और को नहीं बल्कि केजरीवाल की पत्नी जी को दी जाएगी और केजरीवाल की सलाह पर चलेगी। और एक चीज, जहां से केजरीवाल का कैरियर स्टार्ट हुआ था धरना के बिना केजरीवाल का नाम अधूरा है। इस्तीफे के बाद धरना और तेज होगा, इसके लिए अब कोई कुर्सी अणचे में नहीं आएगी। ये थी कुछ केजरीवाल की असलियत और अगले नेक्स्ट वीडियो में केजरीवाल पर लगे कुछ केसों के बारे में फुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें कि अगर किसी भी नेक्स्ट राज्य में केजरीवाल जाके पैर पसारने की कोशिश करें तो जनता उनकी सच्चाइयों को जाने कि उन्होंने कैसे खेल खेले हैं। कुछ मायनों पर उन्होंने सही किया है तो बहुत से मायनों पर उन्होंने गलत भी किया है।